हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग हैप्पीनेस। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं खादी हर्बल मेहंदी के बारे में। तो सबसे पहले इसका प्राइस देख लेते हैं। यहाँ पर इसका नेट वेट लिखा हुआ है 65 ग्राम्स के, आपको इसमें दो पाउच मिल जाते हैं और इसका प्राइस है 60 रुपीज़। तो बॉक्स के इस तरफ क्लियरली मैंशन है कि इस मेहंदी पाउडर में कुछ ऐसे इन्ग्रीडियंट्स हैं जिनकी वजह से आपको स्किन इरीटेशन हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक टेस्ट करना होगा जिसमें कान के पीछे आपको थोड़ी जगह साफ़ कर लेनी है और इसका पाउडर का एक पेस्ट बना लेना है और उसको एक घंटे तक वहाँ पर अप्लाई करके रखना है। तो अगर आपको इरिटेशन होती है तो इसका मतलब है आप इससे एलर्जिक हैं, इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें अपने बालों में। बॉक्स के इस तरफ में लिखे हुए हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स और आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर पैराफेनालिन डायमीन लिखा हुआ है जो कि एक केमिकल होता है। तो खादी हर्बल मेहंदी केमिकल फ्री नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एकदम प्योर वाली मेहंदी है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें केमिकल है। इसमें बाद में लिखा हुआ है कि पैराफेनालिन डायमीन जो है आफ्टर डल्यूशन डाला हुआ है 2.5%, लेकिन फिर भी इसमें केमिकल यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि ये प्योरली हर्बल है या फिर प्योरली सेफ है। तो इस वीडियो में मैं आपको आगे ये मेहंदी अप्लाई करके भी दिखाऊंगी और उसके बाद रिज़ल्ट कैसा रहा, बालों में इचिंग वगैरह हुई या फिर नहीं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन नज़र आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिए। तो बॉक्स में आपको इस तरह से मिल जाती है एक स्लिप जिस पर लिखी हुई है उपयोग विधि और आगे आपको इसमें मिल जाते हैं दो ऐसे पाउच। पहले तीन आया करते थे लेकिन अब ये दो वाली पैकिंग में आ जाते हैं। तो चलिए अब तैयार कर लेते हैं पेस्ट। और पेस्ट तैयार करने के लिए आपको चाहिए एक बाउल और उसमें हम डाल देंगे ये वाला पाउडर और उसके बाद पानी डालेंगे और इसको लगातार घुमाते रहेंगे ताकि इसमें लम्ब्स ना पड़े। तो जब भी आपको ये मेहंदी लगानी होती है पेस्ट तैयार कीजिए, उसके 5 मिनट के बाद अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए। जो सिंपल हाथों वाली मेहंदी होती है उसे हम ओवरनाइट रखते हैं लेकिन इसके मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे आप सिर्फ 5 मिनट पहले मिक्स कीजिए और लगा लीजिए। तो एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे नॉर्मल मेहंदी में हम जूड़ा बना लेते हैं, इस मेहंदी में जूड़ा नहीं बनता है बिकॉज बालों का जूड़ा टिकता ही नहीं है। और आप इस मेहंदी को सिर्फ तभी यूज़ कीजिए जब आपके बाल बहुत ज़्यादा वाइट हों, अदरवाइज़ इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और 40+ अगर आप हैं तभी इसका यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस मेहंदी का रिज़ल्ट देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा।